तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुरली और स्वागत है आप सबका हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कॉपीराइट क्लेम होता क्या है और फ्रेंड्स यदि आपके वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो फ्रेंड्स आप उसको कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इसी के बारे में फुल आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप अपने वीडियोज में किसी अदर पर्सन के वीडियोज को या उसके वीडियोज के छोटी सी क्लिप को भी यूज करते हैं उसके विदाउट परमिशन के, तो फ्रेंड्स वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है। या फ्रेंड्स आप जब अपने वीडियोज के बैकग्राउंड में कॉपीराइट म्यूजिक को आप यूज करते हैं, किसी अदर पर्सन ने उस म्यूजिक को बनाए और उसके विदाउट परमिशन के, यहाँ कि वो कॉपीराइट फ्री भी नहीं है लेकिन आपने उसको इनलीगल तरीके से आप अपने वीडियोज़ के बैकग्राउंड में उसको लगाए हैं, तो फ्रेंड्स वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है। तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स यदि आप किसी अदर के कंटेंट को यूज करके, मान लीजिए किसी ने वीडियोज बनाए और उसी को कॉपी करके आपने वीडियोज को बनाए, तो फ्रेंड्स वो भी आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है। तो खैर ये तो बात रही कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, लेकिन फ्रेंड्स यदि आपके किसी भी वीडियोज पर अगर आपको कॉपीराइट क्लेम पड़ जाता है तो फ्रेंड्स आप उसको कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं सिंपल सा 2 मिनट में। तो फ्रेंड्स इसको जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोज के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम आपको इसके लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ से हम आपको समझाते हैं कि आप कैसे कॉपीराइट क्लेम को अपने वीडियोज में आने के बाद उसको आप आसानी से देख सकते हैं और कैसे उसको चेक कर सकते हैं कि किस वीडियो को कॉपीराइट क्लेम आया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर देखिए क्रोम ब्राउजर पर जाना है। फ्रेंड्स आपको क्रोम में अपने यूट्यूब को ओपन करना है और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यूट्यूब आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक कर लेना, नहीं तो यहाँ पर www.youtube.com यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं और फ्रेंड्स इसको आप डेस्कटॉप मोड में ओपन कीजिएगा ताकि ये आपको मतलब कंप्यूटर पीसी जैसा आपको यहाँ पर पेज खुल कर आएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको क्या करना है, कैसे आप डेस्कटॉप मोड में कर सकते हैं, यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पर जाकर आपको यहाँ पर नीचे डेस्कटॉप साइट पर एक बार क्लिक कर देना है। ये आपका और जो होम पेज है फ्रेंड्स वो आपका एकदम कंप्यूटर पीसी जैसा आपको यहाँ पर पेज खुल कर आएगा। तो फ्रेंड्स इसको ओपन होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने चैनल का जो लोगो है, तो फ्रेंड्स आपको इस कोने पर अपने लोगो पर यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे योर चैनल है, योर चैनल पर जाने के बाद फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा इंटरफेस आपको सामने आपके चैनल का आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कस्टमाइज चैनल और यहाँ पर मैनेज वीडियोज, तो आपको यहाँ पर मैनेज वीडियोज पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर आप मैनेज वीडियोज पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने ये यूट्यूब का जो स्टूडियो है यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आपका सारा वीडियो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी शो करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा सारा वीडियो जो जितना भी हमारा वीडियो यहाँ पर अपलोड है यहाँ पर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा जो सबसे ऊपर वाला वीडियो है ना, यूट्यूबर इस 3 गलती को मत करना, इस वीडियोज पर हमारे यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आया है, जो कि फ्रेंड्स मैंने किसी के कंटेंट का भी यूज़ नहीं किया, किसी के वीडियोज क्लिप को भी नहीं यूज़ किया, लेकिन फ्रेंड्स एक गलती से लगता है पड़ गया है, बाद में मैं इसे रिमूव कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वीडियोज के ऊपर बीच में यहाँ पर अपलोड के नीचे जो फिल्टर का जो आइकन है फ्रेंड्स, इस पर जो फिल्टर का ऑप्शन दिया है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ गए, 7 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एज रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, डिस्क्रिप्शन, मेड फॉर किड्स टाइटल, व्यूज, विजिबिलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर कॉपीराइट क्लिप्स पर यहाँ पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके मतलब जितने भी वीडियोज़ पर कॉपीराइट क्लिप्स आया रहेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर शो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस वीडियो पर क्लिप कॉपीराइट क्लेम आया है, नहीं यूट्यूबर्स इस 3 गलती को मत करना। फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो को बनाया था तो फ्रेंड्स इस पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है,
तो फ्रेंड्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो फिर आप इस तरह आप अपने वीडियोस पर मतलब कॉपीराइट क्लेम आने पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर और भी वीडियोस पर यदि आपके कॉपीराइट क्लेम्स आता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो सारा वीडियोज आपको शो करेगा, आपके जितने भी वीडियो चाहे कहीं भी हो उसको छांट कर यहाँ पर आपको दिखाएगा, शो करेगा। तो और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम्स मिलने पर आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस आपका जो इस वीडियो का रेवेन्यू है जो इसका अर्न आपने जिस अदर पर्सन के मतलब वीडियोस को या उसके क्लिप को यूज किया तो फ्रेंड्स आपका जो अर्निंग है उसको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पे आपको चैनल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो फ्रेंड्स आप इस तरह आसानी से आप अपने किसी भी वीडियोज को कॉपीराइट क्लेम आने पर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और फ्रेंड्स इसको कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जाइए अभी हमें फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम यूजर नेम है मुरली मदेसी है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया में शेयर कीजिएगा जिनको जरूरत हो। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।